स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12th में लेसन 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। जब समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हों तो हमको एंगल ज्ञात करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज दिया है, उसका जो रेड लाइन दिख रही है वो कर्ण होगी और ब्लू लाइन जो है वो उसको लंब अपोजिट साइड कहते हैं और ग्रीन जो लाइन है वो है आसन भुजा या एडजेसेंट कहलाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि दो भुजाएं दी हैं, मान दिए, तो हम उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ थीटा बराबर साइन इनवर्स लंब बट्टे कर्ण और कॉस इनवर्स आधार बट्टे कर्ण का मान जो होता है भी थीटा ज्ञात कर सकते हैं। और यदि लंब बट्टे आधार दिया हो तो टेन इनवर्स लगा करके हम कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में समझेंगे कि जैसे यदि वाई बराबर साइन एक्स दिया हो तो यहाँ पर वाई क्या कहलाता है, वह वैल्यू कहलाती है और यहाँ जो एक्स होता है साइन के साथ वह कोण होता है। और यदि इनवर्स साइन का उपयोग करते हैं तो वाई यहाँ पर एंगल होगा और एक्स जो है वो साइन की वैल्यू होती है। तो इन दोनों में अंतर देखिए कि साइन एक्स में एक्स एंगल है और साइन इनवर्स एक्स में एक्स साइन की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन करते रहे। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि साइन इनवर्स 1/√2 इसको हम y मान लेते हैं। तो साइन y कितना हो जाएगा 1/√2 और साइन y 1/√2 में साइन की किस मान का मान 1/√2 होता है, इस साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, टेबल देख लेंगे। तो इसका मतलब y का मान कितना हो जाएगा π/4। तो इसका जो मुख्य मान होगा π/4 होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं cot इनवर्स -1/√3 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे cot इनवर्स -1/√3 इक्वल वाई, तो cot वाई कितना हो जाएगा -1/√3 और ये माइनस cot π/3 की वैल्यू होती है। अब चूंकि यह माइनस है इसलिए ये cot π/3 माइनस है इसलिए cot π-π/3 के बराबर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा cot 2π/3 पॉजिटिव केस में, इसलिए y का मान होगा 2π/3। अब ये सभी छात्र एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करें और इनको जिस तरह से अभी हमने दो एग्जांपल बताए उसी तरह से इसको हल करने का प्रयास करें। अब हमको ये तीन हमको फैक्ट दिए हो गए, इनको हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स को वाई मान लिया तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा कॉसेक वाई और इसको हम 1/x कितना हो जाएगा, कॉसेक कितना होता 1/sin, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा साइन वाई। तो साइन को फिर वापस हम बैक में लाते हैं तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल वाई, तो साइन इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके बराबर होगा वाई के और y किसके बराबर है cosec इनवर्स x के, इसलिए cosec इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से अन्य दो जो है cos इनवर्स 1/x इक्वल sec इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x इक्वल cot इनवर्स x, इन दोनों को हम सिद्ध करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं sin इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू -कॉसेक इनवर्स x, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स -x इक्वल y ले लिया तो -x इक्वल कितना हो जाएगा साइन y और x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस को पक्षांतर कर दिया -sin y और x इक्वल टू हो जाएगा -sin y कितना होगा साइन -y। तो हम ये देखते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल कितना है -y और -y किसके बराबर हो जाएगा -sin इनवर्स x,